हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 90 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, असर्शन में दिया हुआ है। Assertion and reason based ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल फॉर्म में। तो assertion दिया हुआ है the point 0.4 lies on y axis। ये देखो, ये है आपका क्या y axis, इसको बोलते हैं x axis। अगर कोई पॉइंट y axis में बिलोंग करता है, इसका मतलब वहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा। और सही भी दिया हुआ है कि ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज हमें जीरो देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये तो y axis पे लाई करेगा, ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली ट्रू है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस इज जीरो। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सेस पे वो कितना होता है, जीरो होता है। ये भी बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं देखो तो ये वाला बात इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसी का तो रीजन बन रहा है। तो उस बेसिस पे कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है। बोथ एजर्सन और रीजन क्या है, सही है, ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है किसका, दैट इज एजर्सन का। तो उस बेसिस पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।